नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले में भले ही झगड़ा प्रथा पूरी तरह बंद कर दी गई हो, लेकिन आज भी ग्रामीण लोग झगड़ा प्रथा को लेकर घटना घटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इधर बात की जाए नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंजारी की, जहाँ झगड़ा प्रथा के चलते गाँव के पटेल के खेत में ही आग लगा दी गयी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पलासी के तहत आने वाले ग्राम बंजारे में विगत एक महीने से गांव में आग लगाने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि दो वर्ष पूर्व ग्राम बंजारी निवासी नेनसिंह गुर्जर की लड़की का विवाह एवं करणवास थाना के ग्राम जरखड़िया खेड़ी निवासी गिरिराज पिता जगदीश के साथ हुआ था। वही विवाह के बाद किसी कारणवश दोनों का रिश्ता बिगड़ गया। दिसंबर 2020 को नरसिंहगढ़ पुलिस के सामने उक्त लड़की की दूसरी शादी कर उसको ससुराल भेज दिया गया था, लेकिन इसी बीच ये आगजनी का मामला गांव में लगातार चलता आ रहा है। पुलिस इस मामले को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है। इधर ग्राम बंजारी निवासी ओम नागर पिता रामनारायण पटेल के खेतों में झगड़ा के कारण आग लगा दी गई, जिसमें पटेल परिवार को लगभग 25,000 का नुकसान किया गया। वहीं हेमराज नागर के लगभग 8,000, सुमेर सिंह गुर्जर की जलाऊ लकड़ी में आग लगा दी गई। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा नरसिंहगढ़ थाने में पहुंचकर आवेदन दिया है, जिसमें कार्यवाही की मांग करते हुए फसलों के नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की है। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। ये आपका ओम नागर है सर, मेरा नाम। क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या सर, मेरे गाँव में यह गुर्जर समाज का एक झगड़ा है जरखड़े खेड़ी का। अच्छा, कौन सा गाँव आपका? बंजारी गाँव है मेरा। हाँ, और वो 6 जनवरी से गांव में आग लगा रहा है। पहले भी मसूर जला दी उसने गांव में, लकड़ी जला दी, ये मसूर जला दी, हमारे गांव काट दिया उसने। और बोलता है तो कभी तो ये टेलर है, पीछे रवि बाकी है। और ये जब ये गुजर समाज के इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं तो उसमें आते नहीं है वो, आए नहीं मीटिंग। हाँ, तो आपको कितना नुकसान हुआ इसमें? सर मेरे यहाँ 1 बीघा की मसूर जला दी, गांव काट दिया 10 बसुआ के सर। अच्छा, पुलिस प्रशासन सो हुआ है, पुलिस से फोन लगाओ तो 100 नंबर अभी के खराब हो गए, ये फोन नहीं उठाते, यही आ जाओ रात को रिपोर्ट कर लेंगे। हाँ। पुलिस से सर 6 जनवरी से हम हर बार पुलिस को फोन लगाते हैं, पुलिस को प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। इससे पहले कभी नुकसान हुआ क्या? नुकसान हुआ सर, 6 जनवरी को नुकसान हुआ, पुलिस को बुलाया। फिर हमारे यहाँ 16 तारीख को फिर डूंडे में आग लगाई, पुलिस को बुलाया, पुलिस न्यू बोलती है आते नहीं है यार, यही आ जाओ, अब क्या करेंगे, वो तो भाग गया है। तो पुलिस प्रशासन क्या बिका हुआ है जी? तो मतलब किन का झगड़ा है? झगड़ा गुजर समाज का है, हमारे यहाँ के ये नैन सिंह दादा है, इनका झगड़ा है, इनका झगड़ा है। आपकी क्या समस्या थी? मतलब ये समस्या है बाबूजी कि उसने अपने बच्चे का संबंध हो रहा था। कहाँ पे? वहाँ झगड़े खेड़ी पे। उसने बच्चा इंदौर रहता, उसने वही बेरा कर ली, उसके बच्चे बच्चे भी, वो मेजूती भी है, अपने बच्चे नट गई साहब की वहाँ इसके बच्चे बच्चे हो रहे थे, मैं नहीं जाऊँ, इसलिए मैंने थाने में रिपोर्ट कर दी। इसके बाद भी बच्ची को भेजी थाने में, साहब के सामने बयान करके भेजी। साहब ने कह दी तुम्हारे कोई दिक्कत हो शादी में तो हमको फोन लगाना, और तुम्हारे शादी में हम उपस्थित रहेंगे, तुम शादी कर देना बच्ची को। हमने बच्ची को भेज दी, एक महीना हो गया, वो पहले अन्य जगह दूसरी जगह। हाँ, दूसरी जगह भेज दी सर। ये गुजर समाज है, नागर समाज, पंच बेला करा, पंच में आए हैं नहीं। अच्छा, सामने वाली पार्टी नहीं आती है? हाँ, नहीं आनी। अच्छा, गांव में नुकसान होता है तो आपको परेशान करते हैं गांव वाले? गांव सभी परेशान कर ही रहे हैं यार। और सर गांव में तो और वो कागज लिख के डाल के गया, और लगभग यही कि अभी तो ये पिक्चर टेलर है, पिक्चर आगे बाकी अगर काल से गांव जल गया कौन धनी है? सही बात। और गांव अभी पकड़ा है, अगर एक खेत में लगा जाए पूरा कांकड़ तक साफ हो जाए। पुलिस में आज भी सर हम पूरे गाँव वाले गए थे, सुबह थाने में पूरे गाँव के गए, पुलिस वाले ने एक डपोर तक बिठा के रखा, केवल एक रिपोर्ट दी हमें। कौन सा थाना है आपका? नरसिंहगढ़ तहसील। थाना कौन सा है आपका? नरसिंहगढ़। अच्छा, नरसिंहगढ़। हाँ। क्या था उस दिन, क्या हुआ आपके साथ? पुलिस ने हमें यहाँ आई, नहीं आई, नीट की आई पुलिस, चार चार बार फोन। आज ही सर, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने बोली तुम एक काम करो, पूरे गांव वाले थाने में आओ, टीआई साहब से बात करेंगे, टीआई साहब से बात करो तो तुम हमें अकल मत सीखो, हम यहाँ के ये युवा है, और मेरे 80 गांव लगते हैं, मैं किन किन का करूँ, सब आराम से होगा सर। जब तुम 1.5 महीना से 6 तारीख से 6 जनवरी से आप कुछ नहीं कर सके, आज तो हमारी अभी फसल है, आगे गेहूँ आगे, फिर आप क्या करोगे जब गांव जल जाएगा? हमने यही बोली कि सर अगर आपको भी एक पुलिस, आप और एक जम्मू कश्मीर में उसको आतंकवादी कैसे पकड़ रही पुलिस वहाँ, और आप एक एक मच्छर बराबर आदमी को यहाँ गाँव में टेकल करके नहीं पकड़ पा रहे,
तो फिर हमारी हर आपसे क्या क्या कर सकते। सही बात। नहीं पर पुलिस क्यों बनी, हमारी सहायता नहीं है तो पुलिस तो सर इसका मतलब यह पुलिस भी कहू है थाना तहसील पुलिस ध्यान क्यों नहीं दे रही जब हमारी सहायता। और सर हमने हर बार रिपोर्ट करी पुलिस के यहाँ, पुलिस से 100 नंबर फोन लगा, आज तक पुलिस एक दो बार आती है, रात को परसों आग लगी नटगी पुलिस के नहीं आऊ, हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो जब पुलिस के पास साधन नहीं है मरी जाएगा गाँव चल। सर परसों आग ढूंढे में गाँव में आग लगाई और भिषम बंदी थी, दो ट्रैक्टर रखा था, अगर वो आग चौकीदार वो गौशाला में सा रहा था वो नहीं देखता तो कौन धनी था, गाँव जल जाता सर। ये समस्या है सर। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं हमारा जो भी हो उसको दोनों पार्टी को बिठाड़ के हमारा निराकरण करिया जाए। सही बात है। हाँ तो लड़े झगड़ा खत्म हो जाए, इनका लड़े झगड़ा आप करो नहीं, आप इनकी गलती हो तो इनको रिमांड पे लो, उसकी गलती उसको रिमांड पे लेके पकड़ो। पुलिस यूँ कहती है जाते नहीं मिलते, तो नहीं मिलते तो सर उसके रिश्तेदार उसका काका भतीजा भाई कोई तो होगा, मामा कोई तो होगा, उसको पकड़ो नहीं। ऐसे तो आप 6 महीने तक नहीं पकड़ोगे हमारे गाँव में आग लगा देगा, फिर हम क्या करेंगे? वही बात। अभी हमारे गेहूं की फसल आ रही, हमने ये मसूर ब्लाक से लेके वही महंगा वाला भी। आज आप नरसिंहगढ़ गए तो क्या हुआ फिर? ये सर हमें ये थमा दिया। अच्छा एफ आर दर्ज कर ली? हाँ, और ये हर बार कर ली उनने तो सर। अच्छा एफ आर दर्ज हो जाती है? और हर बार ये कह दी कि हम जाएंगे करेंगे, हमने पूरा करणवास थाने में बात करी है और वो मादरचोद मिलता नहीं है, जाते ये पुलिस कर दी है साहब। और अभी कह दी अभी नहीं होगा तो हमने पुलिस से भी, पुलिस नहीं, तुम क्या हमें सबक सिखाओगे क्या?